अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं। 2019 के लोकसभा चुनाव के नज़दीक आते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने भी इस महासंग्राम में कूदने का फैसला लिया है और लोकसभा चुनाव में प्रदेश की चारों सीटों पर अपने प्रत्याशी को खड़ा करने का फैसला लिया है। पार्टी के अध्यक्ष शिवलाल ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देश भर में रोष है और जनता आगामी चुनाव में इसका खुलकर विरोध करेगी। शक्ति चेतना पार्टी ने अभी सिर्फ मंडी संसदीय सीट से एकमात्र प्रत्याशी का नाम तय किया है। जल्द ही बाकी बचे तीनों लोकसभा क्षेत्रों से भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। शिवलाल ठाकुर ने बताया कि आने वाले लोकसभा चुनावों में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इसके अलावा सोलन व हमीरपुर से भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, इस पर विचार चल रहा है। मंडी सीट से शिवलाल ठाकुर ने स्वयं चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उन मुद्दों को समाज के सामने, सभी राजनीतिक दलों के सामने रख रहा हूं और आह्वान भी कर रहा हूं। यदि हम अपने प्रदेश में भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहते हैं, महंगाई पर लगाम लगाना चाहते हैं, बेरोजगारी की समस्याओं को कम करना चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको राजनीतिक क्षेत्र में ही परिवर्तन लाना होगा। जब तक राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन नहीं लाओगे, देश में भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता, महंगाई की समस्याओं को कम नहीं किया जा सकता, बेरोजगारी को कम नहीं किया जा सकता और देश को आर्थिक स्तर पर मजबूत नहीं किया जा सकता। आज देश का किसान, देश का पशुपालक, जिसकी संख्या 80% के करीब बनती है, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। एक ऐसा वर्ग जो देश के सभी वर्गों को, उनकी जरूरियात को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है। जब तक हम देश के पशुपालक को, देश के किसान को आर्थिक सहायता देकर मजबूत नहीं करेंगे, देश का व्यापार, देश का उद्योग, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो ही नहीं सकती। हमारी पार्टी चारों सीटों पर प्रयास कर रही है। अभी एक सीट पर कंफर्म है, जो मंडी संसदीय लोक चुनाव क्षेत्र है, वहाँ से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है वह नशा, मांस, भय, भूख, भ्रष्टाचार, जाति भेद, छुआछूत एवं सांप्रदायिकता से मुक्त, सद्भावनापूर्ण, चरित्रवान समाज का निर्माण करके देश का सर्वांगीण विकास करना है। शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।